हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुनीत एंड यू आर वाचिंग कलर ट्यूब्स। और आज मैं ऑयल इन कैनवास में एक टाइगर का फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग करने वाला हूं। और मैं यहां पर कैमल का ऑयल कलर यूज़ कर रहा हूं, और साथ साथ यहां पर लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल भी मैं यूज़ कर रहा हूं। वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो आप सभी ने। और मैं यहाँ पर कैमल का ही कैनवास क्लोथ यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मीडियम ग्रेन का है, वेरी लाइट, और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और ऑनलाइन में भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसी का भी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ऑयल कलर से वाटर कलर और एक्रेलिक कलर थोड़ा अलग होता है। वाटर कलर और एक्रेलिक कलर में जो होता है कि वहाँ पर कलर बहुत जल्दी सूख जाता है, इसीलिए पेंटिंग करना भी थोड़ा इजी होता है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इजी होता है वाटर कलर और एक्रेलिक कलर में पेंटिंग करना, लेकिन ऑयल कलर में जो होता है, यहाँ पर ऑयल यूज़ होता है और इसका जो कलर है वो बहुत स्लो ड्राइंग कलर है, और इसका पिगमेंट भी बहुत कॉम्पैक्ट पिगमेंट होता है। इसीलिए आप जो बिगिनर हो तो आप ऑयल कलर करना चाहते हो तो पहले आपको ब्रशेस का यूज़ अच्छा तरीका से जानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल पेंटिंग करने के लिए आपका ब्रशेस की जो थिंकिंग है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रशेस की सेट्स भी होना चाहिए, क्योंकि ऑयल पेंटिंग करने के लिए आपको ब्रशेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगा। और मेनली जो कैनवास है वो बहुत रफ होता है, रफ सरफेस होता है उसका, इसीलिए आप जब भी कोई बिगिनर हो वो सॉफ्ट ब्रशेस मत यूज़ करो। पहले ही सिंथेटिक का जो ब्रश होता है, हॉग ब्रशेस होता है, हॉग ब्रिस्टल ब्रशेस जो होता है, फ्लैट सिंथेटिक ब्रशेस, उसको यूज़ करो तो आपका पेंटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगा। और जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तभी आपको सॉफ्ट ब्रशेस की तरह निकल सकते हो। और जो अदर ब्रशेस है, जैसे कि फिल्बर्ट है, जैसे कि कट एजेस ब्रशेस है, उससे बहुत अच्छी तरीके से ऑयल पेंटिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे ब्रशेस हैं, जैसे कि जो हॉग ब्रिस्टल ब्राइट ब्रशेस है, शॉर्ट फ्लैट ब्रशेस है, और फैन ब्रशेस भी है जिससे ग्रास वगैरह करा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल पेंटिंग करने के लिए पहले जो आपका थिंकिंग क्लियर होना चाहिए वो है ब्रशेस की थिंकिंग। ब्रश को यूज़ करने के साथ साथ और एक चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए वो है ब्रश को क्लीन करना। हर बार जब आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो तो उसके एंड में आप ब्रश को ठीक से और अच्छी तरह से क्लीन करो, नहीं तो वो जो ऑयल कलर का जो पिगमेंट है वो ब्रश के जो हेयर है उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट हो जाता है, इसीलिए ब्रश वगैरह जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसा मत करो, तो दूसरे बार जब पेंटिंग करने जाओगे तो आपका पेंटिंग जो है, पेंटिंग का जो इफेक्ट है, जो स्ट्रोक्स है, वो ठीक से नहीं आएगा। इसीलिए ब्रश को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, और बार बार टर्पिंग तेल जो है उससे ब्रश को ठीक से क्लीन करो और ठीक से पोंछ के रख दो।
हेलो गाइस, तो पेंटिंग कैसा लगा? और कैसा लगा तो बताना पड़ेगा, वो तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जो है उसको भी दबा देना। मैंने जो आर्ट चैनल खोला था वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वो सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि कब 500 सब्सक्राइबर भी गेन हो गया है। और आप सभी का जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो रिस्पांस मेरे को मिल रहा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही पेंटिंग देखते रहो, इंडिया का आर्ट चैनल ग्रो करने में मदद करते रहो। और अगर पेंटिंग अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग मेरे चैनल में और नया क्या क्या देखना चाहते हो। अब जो कहोगे मैं वही करने का थोड़ा ट्राई भी करूँगा, तो कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल में। और मिलते हैं अपने अगले कोई नए वीडियो में, तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। अच्छा रहना सब, बाय।